नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मजेदार वीडियो में। तो आज हम यहां पे करने वाले हैं कैमरा कंपैरिजन बिटवीन सैमसंग गैलेक्सी F62 एंड रियलमी X7। अब इन दोनों ही फोन के बीच में मैं कंपैरिजन इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मुझे बार बार कमेंट करके बता रहे थे कि इन दोनों फोन के बीच में कैमरा कंपैरिजन कीजिए। आज यहां पे आप सबकी डिमांड पे मैं इस दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन लेके आ गया हूं। तो कैमरा सेटअप के बारे में अगर बात करी जाए तो F62 में आपको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। प्राइमरी है 64 मेगापिक्सल का सेंसर, सोनी का IMX682 सेंसर है। उसके अलावा है 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल डेप्थ है। फ्रंट में है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। अगर बात करी जाए रियलमी X7 के बारे में तो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस है, सैमसंग का सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। एंड फ्रंट में आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, अगेन सोनी का सेंसर है, IMX471। तो कैमरा सेटअप यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑन पेपर यहाँ पे F62 में बेटर देखने को मिलता है। तो आज हम यहाँ पे इन दोनों ही फोन्स के कैमरा को कंपेयर करेंगे, अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में फोटोज लेंगे, वीडियोस लेंगे एंड उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फोन यहाँ पे बेहतर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं तकनीकी वर्ल्ड, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से ली गई फोटो है एंड यहाँ पे पहली चीज आप ये नोटिस करेंगे कि जो F62 का फील्ड ऑफ व्यू है वो यहाँ पे ज्यादा है जबकि X7 का फील्ड ऑफ व्यू इतना ज्यादा नहीं है। उसके अलावा अगर बात करी जाए यहाँ पे डिटेलिंग के बारे में तो अगेन F62 में बेटर देखने को मिल जाती है एंड साथ ही साथ शार्पनेस वगैरह भी अगर आप देखते हैं तो F62 की इमेज में बेटर है। स्किन टोन वगैरह देखा जाए तो दोनों ही फोन ने अच्छे से मेंटेन किया है, बट जो शर्ट का टेक्सचर है उसे भी यहाँ पे F62 ने बेटर हैंडल किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो F62 का आउटपुट आपको बेटर देखने को मिल जाता है एंड जो बेटर सेंसर है वो यहाँ पे दिख भी रहा है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे देखने में पहली नजर में आपको F62 की इमेज बेटर लगेगी क्योंकि वहाँ पे स्किन टोन वगैरह थोड़ा सा बेटर है एंड शर्ट का टेक्सचर है वो भी वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से हैंडल हुआ है। एंड डिटेलिंग के बारे में बात करें तो वो वहाँ पे थोड़ा सा बेटर लग रहा है मुझे, शार्पनिंग भी वहाँ पे ज्यादा है। जबकि X7 की इमेज के बारे में बात करी जाए तो शर्ट के ऊपर ठीक से लाइट को हैंडल नहीं कर पाया है एंड जो चेहरा है उसको भी थोड़ा सा उसने येलो हिस्सा बना दिया है, तो स्किन टोन को भी वहाँ पे प्रॉपर हैंडल नहीं किया है। तो यहाँ पे क्लियरली F62 की इमेज मुझे पसंद आ रही है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड दोनों ही फोन ने काफी अच्छे तरीके से एज डिटेक्शन कर लिया है, कोई भी इश्यू नहीं है। एंड बाकी ओवरऑल जैसा हमने लास्ट इमेज में देखा था उसी तरह के रिजल्ट्स यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ये एक और इमेज है जो मैंने पोर्ट्रेट मोड में निकाली है, तो यहाँ पे साइड एंगल से मैंने फोटो निकाली है बट उसके बाद भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन अच्छे तरीके से डिटेक्शन कर लेते हैं। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किन टोन में कितना फर्क है, जो X7 उसने थोड़ा सा डार्क बना दिया, स्किन टोन थोड़ा सा येलोइश बना दिया है, जबकि F62 ने यहाँ पे जो नेचुरल स्किन टोन है उसकी तरफ स्किन टोन को दिखाया है। ये कुछ और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेजेस है, तो इन सभी इमेजेस में अभी आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो F62 की इमेज है वो ज्यादा वाइब्रेंट आ रही है, साथ ही साथ जो स्काई है उसको वो थोड़ा सा ब्लूइश बना देता है जबकि X7 इतना ज्यादा ब्लू नहीं बनाता है। एंड जो डार्कर एरिया है वहां पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि F62 सभी चीजों को अच्छे से मेंटेन करता है जबकि X7 उस एरिया को ठीक से नहीं दिखा पाता है। ओवरऑल यहाँ पे जो F62 का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो क्लियरली बेटर है रियलमी X7 के 8 मेगापिक्सल से एंड वो चीज आप इन सभी सैंपल्स में क्लियरली देख सकते हैं। प्राइमरी कैमरा से लिए गए कुछ सैंपल्स है तो यहाँ पे भी आप अगेन देख सकते हैं कि दोनों ही फोन अच्छा काम कर लेते हैं एंड जो डिटेलिंग लैग कर रहा था X7 अल्ट्रा वाइड में वो यहाँ पे इश्यू नहीं है। यहाँ पे डिटेलिंग एंड शार्पनेस की बात करी जाए तो दोनों ही फोन काफी बढ़िया मैनेज कर लेते हैं। डायनामिक रेंज के बारे में बात करी जाए तो वो भी आपको दोनों में ही काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, कलर्स का आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जो F62 की इमेज है वो थोड़ी सी ज्यादा कलरफुल देखने को मिलती है जबकि X7 की इमेज इतनी ज्यादा कलरफुल नहीं है एंड जो नेचुरल कलर है उसी तरह के कलर्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस मुझे दोनों ही फोन का सही लगा है। 64 मेगापिक्सल मोड में निकाली गई इमेज है तो यहाँ पे पहली नजर में स्काई के कलर को छोड़ के आपको कोई और डिफरेंस नहीं दिखेगा क्योंकि दोनों ही इमेज काफी सिमिलर दिख रही है। अभी डिटेलिंग कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए हम इस इमेज को मैक्सिमम जूम कर लेते हैं। मैक्सिमम जूम करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही फोन ने काफी अच्छे तरीके से डिटेलिंग को मेंटेन किया है, बट ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो जो X7 की इमेज वो थोड़ी सी मुझे बेटर लग रही है क्योंकि जो ब्लैक कलर है वो भी उसने थोड़ा सा बेटर तरीके से हैंडल किया है, थोड़ी सी ज्यादा बेटर इमेज लग रही है वो। ये कुछ मैक्रो के सैंपल है एंड यहाँ पे जब लाइटिंग अच्छी होती है तो दोनों ही फोन से आपको अच्छे मैक्रो के रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे एंड अगेन यहाँ पे जो F62 के सैंपल्स है उसमें आपको ज्यादा कलर्स देखने को मिल जाते हैं एंड थोड़ी सी बेटर डिटेलिंग भी देखने को मिल जाती है क्योंकि सेंसर वहाँ पे बेटर है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि F62 की इमेज बेटर है।
जो शर्ट के ऊपर लाइट आ रही है उसको काफी अच्छे से मैनेज किया है, टेक्सचर को एकदम ही क्लियर दिखाया है, स्किन टोन को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, बैकग्राउंड भी काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिखाया हुआ है। जबकि X7 के बारे में बात करी जाए तो स्किन टोन भी यहाँ पे पूरा चेंज कर दिया है, व्हाइटिश बना दिया है, एंड साथ ही साथ थोड़ा सा वॉश आउट भी हो गया, जो मेरे शर्ट के ऊपर लाइट आ रही थी उसको ठीक से कैप्चर नहीं कर पाया है। तो यहाँ पे क्लियरली F62 बेटर है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद भी F62 की इमेज ही बेटर है यहाँ पे। एंड X7 में आप क्लियरली देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में जो लाइट आ रही है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहा है। ये एक और सैंपल है जो मैंने डायरेक्ट सनलाइट में निकाला था, तो यहाँ पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि F62 ने सारी चीजों को काफी अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है एंड किसी भी पार्ट को ओवर एक्सपोज नहीं किया है। बट जो X7 की इमेज है वहां पे आप देख सकते हैं कि पूरे चेहरे को बहुत ही ज्यादा व्हाइट बना दिया है एंड बिल्कुल भी ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाया है यहाँ पे वो लाइट को। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है एंड पोर्ट्रेट मोड को ऑन करने के बाद भी वहां पे सेम इश्यू देखने में आ रहा है, स्किन टोन को बिल्कुल ही ठीक से हैंडल नहीं कर पाया है एंड कुछ ज्यादा ही व्हाइट बना दिया है। तो यहाँ पे रियलमी को अपडेट के द्वारा इस चीज को फिक्स करने की जरूरत है। इंडोर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्लियरली F62 की इमेज यहाँ पे बेटर है, ज्यादा बेटर स्किन टोन है, ज्यादा बेटर कलर्स है, ज्यादा बेटर डिटेलिंग है। जबकि X7 की इमेज यहाँ पे बिल्कुल ही बेकार आई हुई है एंड डिटेलिंग के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ही लेस डिटेलिंग आपको देखने को मिलती है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है तो यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि F62 की इमेज है वो थोड़ी सी बेटर है, स्किन टोन को बेटर तरीके से हैंडल किया है एंड जो टी शर्ट का कलर है उसको भी थोड़ा सा बेटर दिखाया है। जबकि X7 ने यहाँ पे पूरी इमेज इसको थोड़ा सा येलो स्टोन दे दिया है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, दोनों ही फोन ने अच्छे तरीके से एज रिट्रैक्शन कर लिया है, यहाँ पे दोनों ही इमेज मुझे पसंद आ रही है एंड ये एक और फोटो है जो मैंने पोर्ट्रेट मोड में निकाली है, तो यहाँ पे भी दोनों ही फोन अच्छा काम कर लेते हैं। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में निकाली गई कुछ अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के सैंपल्स है, तो यहाँ पे भी अगेन आप क्लियरली देख सकते हैं कि F62 यहाँ पे बेटर काम करता है, जो बेटर सेंसर है वो यहाँ पे क्लियरली विजिबल भी हो जाता है, डिटेलिंग वगैरह आपको बेटर देखने को मिल जाती है एंड ओवरऑल लाइट्स भी अगर आप देखते हैं, कलर्स देखते हैं, उन सभी चीजों में यहाँ पे F62 क्लियरली बेटर है। इंडोर कुछ प्राइमरी कैमरा से लिए गए फोटोस है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो X7 है वो थोड़े से कलर्स को बूस्ट कर रहा है, जबकि F62 यहाँ पे कलर्स को बूस्ट नहीं कर रहा है एंड जो एक्चुअल कलर्स है उसी कलर्स को दिखा रहा है। तो मुझे यहाँ पे अगेन दोनों ही फोन की इमेजेस पसंद आ रही है। अभी आपको थोड़े से ज्यादा बूस्टेड कलर्स पसंद आते हैं तो आपको X7 की इमेज पसंद आ सकती है एंड थोड़े से नेचुरल कलर्स आपको पसंद है तो फिर आपको F62 की इमेज पसंद आएगी। इंडोर फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे भी अगेन आप क्लियरली देख सकते हैं कि F62 ने स्किन टोन को काफी अच्छे तरीके से मैनेज किया है, लाइट को काफी अच्छे तरीके से हैंडल किया है, डिटेलिंग भी वहाँ पे बेटर देखने को मिल जाती है, जबकि X7 अगेन यहाँ पे जो व्हाइट शर्ट के ऊपर लाइट आ रही है उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाया है एंड स्किन टोन को भी थोड़ा सा व्हाइटिश बना दिया है तो वो देखने में इतना बढ़िया नहीं लग रहा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन कर दिया है, दोनों ही फोन एज डिटेक्शन तो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है, बट अगेन जैसा हमने लास्ट इमेज में नोटिस किया उसी तरह के यहाँ पे भी आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। लो लाइटिंग कंडीशन में निकाली गई फोटो है, विदाउट नाइट मोड है तो यहाँ पे अगेन मुझे F62 की इमेज बेटर लग रही है। नाइट मोड को ऑन कर दिया है एंड सरप्राइजिंगली नाइट मोड को ऑन करने के बाद यहाँ पे X7 की इमेज मुझे बेटर लग रही है, ज्यादा अच्छे तरीके से उसने लाइट को कैप्चर किया है, ज्यादा ब्राइट इमेज दिखाई है, जबकि F62 यहाँ पे इतनी ज्यादा ब्राइट इमेज नहीं बना पाया है। स्क्रीन फ्लैश को ऑन करके फोटो निकाली है तो यहाँ पे मुझे F62 की इमेज बेटर लग रही है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है तो यहाँ पे क्लियरली F62 बेटर है। नाइट मोड को ऑन किया है तो यहाँ पे F62 बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाता है, जबकि X7 में नाइट मोड के नाम पे जीरो है, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे कोई भी वहाँ पे प्रोसेस ही नहीं होता है, सिर्फ बोलने के लिए नाइट मोड दिया गया है। प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है तो अगेन यहाँ पे F62 की इमेज बेटर है, ज्यादा क्लियर है, ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा शार्प है। नाइट मोड को ऑन कर दिया है, नाइट मोड को ऑन करने के बाद दोनों ही इमेज काफी बढ़िया हो जाती है, बट अगेन यहाँ पे किसी एक को पिक करना हो तो मैं F62 की इमेज को पिक करूंगा क्योंकि उसने ज्यादा लाइट को कैप्चर किया है। तो दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ एंड 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ, क्योंकि रियलमी X7 में आप मैक्सिमम वहीं तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड सनलाइट की बात करें तो अभी बिल्कुल ही ऊपर आ रही है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा वॉक भी कर रहा हूँ तो आपको आइडिया लगेगा कि यहाँ पे कौन से फ़ोन में स्टेबिलाइजेशन हो रहा है, कौन से फ़ोन में नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ पे ऑन स्क्रीन अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत ही तेज़ है। तो 4K रिजोल्यूशन में शूट कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है एंड स्काई मुझे यहाँ पे रियलमी X7 में बेटर दिख रहा है, जबकि सैमसंग में यहाँ पे एक्सपोजर ठीक नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ, जी हाँ, तो यहाँ पे जो सनलाइट आ रही है
तो टेप करने के बाद अब जाके ठीक हुआ है यहाँ पे, बाकी एकदम ही ओवर एक्सपोज हो गया था, बट अब यहाँ पे ठीक लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे 4K में भी देख लेते हैं कौन से फ़ोन में स्टेबिलाइजेशन है, कौन से फ़ोन में नहीं है। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही फ़ोन में स्टेबिलाइजेशन तो लग रहा है, जैसे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, बट फुटेज यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में स्टेबल लग रही है। चलिए अभी हम मूव कर जाते हैं 1080p 30fps। तो 1080p 30fps पे शूट कर रहा हूँ दोनों ही फ़ोन में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है। मुझे यहाँ पे ऑन स्क्रीन दोनों ही फ़ोन में फुटेज की क्वालिटी सही लग रही है। अभी स्टेबिलाइजेशन कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वॉक करके दिखा देता हूँ। तो ऑन स्क्रीन मुझे यहाँ पे दोनों ही फ़ोन में स्टेबिलाइजेशन लग रहा है, बाकी जब हम एक्चुअल फुटेज देखेंगे तो बेटर आइडिया लगेगा। तो दोनों ही फ़ोन में सुपर स्टडी एंड अल्ट्रा स्टडी मोड को ऑन कर दिया है। अभी स्टेबिलाइजेशन कहाँ पे बेहतर है वो देखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखा देता हूँ। तो ऑन स्क्रीन मुझे दोनों ही फ़ोन की फुटेज स्टेबल लग रही है, बाकी जब हम एक्चुअल फुटेज देखेंगे तो बेटर आइडिया लगेगा। तो दोनों ही फ़ोन में फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड 1080p 30fps पे यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि रियलमी X7 में आप मैक्सिमम वहीं तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अभी मैं शेडोड एरिया में हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है। एंड अभी मैं डायरेक्ट लाइट में भी आ जाता हूँ, तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि कौन सा फ़ोन यहाँ पे बैकग्राउंड को बेटर हैंडल कर रहा है। मुझे यहाँ पे ऑन स्क्रीन कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि धूप यहाँ पे बहुत ही तेज़ है। तो देखते हैं जब हम एक्चुअल फुटेज देखेंगे तो बेटर आइडिया लगेगा कि कौन से फ़ोन में बेटर आउटपुट मिलता है। तो दोस्तों ओवरऑल रिजल्ट्स के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है वो मुझे F62 का बेटर लगा है। उसके अलावा फ्रंट कैमरा है वो F62 का बेटर है। एंड जो प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस है वो मुझे दोनों ही फ़ोन का काफ़ी सही लगा है, एंड वहाँ पे इतना मेजर डिफरेंस नहीं है। उसके अलावा अगर बात करी जाए वीडियोस के बारे में तो वहाँ पे अगेन मुझे F62 का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर लगा है, एंड वहाँ पे भी ओवर एक्सपोजर का इश्यू मैंने देखा था, नोटिस करा था जब रियर कैमरा से मैं 4K में शूट कर रहा था, तो वहाँ पे टेप करने के बाद ठीक हो गया था। एंड रियलमी में रियर कैमरा में ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ, बट फ्रंट कैमरा में एक्सपोजर का इश्यू है, वहाँ पे लाइट को ज़्यादा ही कैप्चर कर लेता है एंड बिल्कुल ही फुटेज को ओवर एक्सपोज कर दिया था। एंड उसके अलावा यहाँ पे F62 में आपको पोर्ट्रेट वीडियो का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, तो रियलमी X7 में अभी के लिए कोई बोके वीडियो का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो वो चीज़ भी मुझे थोड़ी सी सरप्राइजिंग लगी है। तो वीडियोस के मामले में भी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा F62 बेटर लगा है। तो कंक्लूजन ओवरऑल यही निकल के आता है कि कैमरास के मामले में अगर आप इन दोनों फ़ोन के बीच में कन्फ्यूज थे तो डेफिनेटली कैमरास यहाँ पे आपको F62 में बेटर देखने को मिल जाते हैं। अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।